गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस इस गाड़ी का प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी जब क्लास दाब के गियर दे रहा तो गाड़ी आगे बढ़ जा रहा, ठीक है, और कभी कभी ये प्रॉब्लम हो रहा। तो इसका रीज़न क्या है वो इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आ गए हम ये पल्ला खोलने के लिए, ठीक है। ये 10 नंबर लगता है पल्ला में, और ये पल्ला खुल गया है, ठीक है। सबसे पहले इसको खोल लेना है, और इसका वीडियो में मैं पूरा इसका पार्ट नंबर क्या है नहीं है पूरा सब कुछ डिटेल में बताने वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस आ गए क्लास सिलेंडर के पास, और क्लास सिलेंडर का जो पाइप है इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसको खोल के देखेंगे इसका पिस्टन उस्टन दाग हो गया कि नहीं, और ये बॉडी खा जाता है कभी कभार, ये बॉडी अगर दाग हो जाएगा तो इसका हम चेंज करेंगे, अगर नहीं होगा तो किट चेंज करेंगे और इसका पार्ट नंबर भी देंगे, ठीक है। तो इसको मैं खोल लेते हैं। तो गाइस ये है ब्रेक ऑयल का पाइप, ठीक है। इसको खोल लेना है पहले स्क्रू ड्राइवर से या तो 8-9 रिंग से। तो गाइस पाइप खुल गया, और ये देखिए तेल का हालत देखिए, ठीक है, ये पूरा एकदम गाद हो चुका है। उसका बाद ये 17 नंबर डालने लगता है इसमें, ये 17 नंबर पाइप का नट खोल लेना है। तो फाइनली गाइस ये खुल गया है, ठीक है। और इसके लिए मेरे को यूट्यूब में बहुत सारा कमेंट आ रहा, भाई इसका पार्ट नंबर क्या है, पार्ट नंबर क्या है, वो इस वीडियो में मैं बताएंगे पार्ट नंबर क्या है, और नया सिलेंडर का भी पार्ट नंबर क्या है। तो इसमें मेरा 13 नंबर गोटी लग रहा, ठीक है, 13 नंबर गोटी हैंडल से इसको ऊपर वाला, ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों दोनों खुलना चाहिए, ठीक है। और अंदर में आप लोगों को दिखा देते हैं, अंदर में जो है वो खाली पिन खोलना है। तो ये देखिए ये अंदर में आ गया, और ये देखिए ये जो पिन लगा हुआ है ये पिन को खाली खोलना है, ठीक है। ये पिन खोलने से सिलेंडर पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं खोल लेते हैं। तो फाइनली गाइस ये खुल गया है, ठीक है, और इसका जो है ये देखिए लाइट थोड़ा जला देते हैं अब लोग ताकि अच्छा से देख पाए। ये देखिए इसको मैं इसी तरह निकाल देंगे, ठीक है, ये निकल गया, सिलेंडर भी बाहर हो गया। तो चलिए सिलेंडर का हालत क्या है वो देख लेते हैं। तो गाइस ये देखिए सिलेंडर का हालत देखिए, सब पूरा पिस्टन उस्टन पूरा एकदम अंदर सीज हो गया, ये पिस्टन घिस घिस के पूरा एकदम काला हो गया मेरे का। तो इसको मैं फेंक देंगे, मैं नया लगाएंगे, ठीक है, ये चलेगा नहीं। और ये हो गया इसका नया सिलेंडर लेके चला आए हैं, और ये TVS का है, ठीक है, और इसका पार्ट नंबर मैं स्क्रीन में आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लगाने से पहले इसको इसी तरह इसमें ढुका देना है, ठीक है, ढुका के ये दोनों लास्ट में निकालना है, पहले इसको टाइट करना है, ठीक है। और गाइस इसको लगाने के बाद ये पाइप डायरेक्ट नहीं लगाना है, ये पाइप में उधर से थोड़ा सा ब्रेक ऑयल गिरा देना होगा, क्योंकि ये पाइप में भी गया है, देखिए ये आप देख सक रहे हैं, ये इसका जो बुरादा है ये पूरा पाइप में भी गया है और इसमें भी गया है, और नीचे से क्लच बूस्टर से उसमें से भी आपको ब्रेक ऑयल थोड़ा सा गिरा देना है या छोड़ाने के बाद, ठीक है, या छोड़ाने का टाइम आप फेंक दीजिए, तब उसका बाद नया ब्रेक ऑयल इसमें डाल के बढ़िया से हवा छुड़ाना है। तो चलिए इसको टाइट कर लेते हैं। मैं मेरा चैनल में पहले एक वीडियो इसके लिए मैं बना चुके हैं, मगर वो वीडियो शॉर्ट वीडियो बन गया है, क्योंकि यूट्यूब में उतना नॉलेज नहीं था, इसीलिए मैं फिर से दोबारा इसको बना रहा हूँ ये वीडियो, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और पार्ट नंबर के लिए मुझे बहुत कमेंट आया है, और ये पार्ट नंबर के लिए मैं ज़्यादा जल्दी में ये वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली गाइस इधर टाइट हो गया, और अंदर में अब फिर जैसे वो पिन को खोले थे उसको लगा देते हैं। ये देखिए इसको फिर घुमा के इसमें लगा देना है, ठीक है, ये देखिए ये आराम से बैठ गया। अब इसमें एक तो प्लेन वॉशर रहता है, ये प्लेन वॉशर दे दिए,
ठीक है। अब इसको लगाना है, ये देखो ऐसे ठेल देना बस। तो फाइनली गाइस ये देखिए इसको लॉक कर दिए हैं, ये देखिए ये लॉक हो गया। ये पैडल में इतना फॉल्स रहना चाहिए देखिए, और इसमें कोई एग्जिस्टिंग करने वाला सिन शॉट नहीं है, ठीक है। ये BS4 है 4019 है ऑसुक लीलैंड, ठीक है। इसमें कोई एग्जिस्ट करने वाला सिस्टम नहीं है, जो है प्रेशर प्लेट में है, ठीक है। ये देखिए ये इतना फॉल्स इसमें रहता है, और ये एग्जिस्टिंग बोल्ट जो होता है इसको छेड़छाड़ नहीं करने का है। इसको अगर टाइट करना है ज़्यादा, इसको अगर टाइट करिएगा तो अंदर में पिस्टन में जाके बॉकेट सट जाएगा, और बॉकेट जल्दी जल्दी कट जाएगा इसका किट, ठीक है। तो इसको जैसे है वैसे ही रहने देना है, ठीक है। आप यहाँ छुड़ा के ये गाड़ी को देखते हैं। तो इसका प्रॉब्लम था, आप लोगों को पहले बता चुके हैं क्या प्रॉब्लम था, और इसको सिलेंडर चेंज करने के बाद इसको देखते हैं क्या होता नहीं होता। तो वीडियो को देखते रहिए, और पार्ट नंबर स्क्रीन पर आप लोग देख सक रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आ गए हैं ये ब्रेक ऑयल का डब्बा के पास, ठीक है। और इसमें आप ब्रेक ऑयल डालेंगे, और उधर से पाइप से थोड़ा सा गिरा देना है, ठीक है। तो मैं डालता हूँ, उनको बोलते हैं थोड़ा गिरा देने के लिए। ब्रेक ऑयल आ रहा, थोड़ा सा गिरा दीजिएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा गिरा के आप लगा दीजिए, लगा दीजिए। तो इसको फुल कर दिए, अब थोड़ा सा याद छुड़ाना होगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, याद छुड़ाने के बाद क्लच सिलेंडर चेंज करने के बाद पैडल हार्ड नहीं होता, पैडल हार्ड हो जाएगा एकदम एक बाय एक हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 17 नंबर पाइप है, जो पाइप हम लोग खोले थे वो बार में, वो पाइप ढीला रखना है, और ये पैडल को दाबना है, ये दाब के रखना है, ऐसे ऐसे पूरा दाब के रखना है, फिर उसको टाइट करना है। 17 नंबर टाइट करिए, टाइट हो गया, फिर इसको छोड़ना है, फिर ऐसे दाबना है। देखिए अभी से गाड़ी हिलने लगा, देखिए आवाज़ देखिए, देखिए बूस्टर का आवाज़ देखिए। हाँ ढीला करिए और एक बार, ये देखिए फिर दाब के रखना है, ठीक है, टाइट करिए, ये देखिए फिर ये छोड़ना है, और इधर देखिए ब्रेक ऑयल भी कम हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी छुड़ा सकते हैं, और परेशानी नहीं होगा, ये देखिए क्लच भी फ्री हो गया, ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं कि यह लेता कि नहीं, ठीक है। तो गाइस गाड़ी स्टार्ट करके देख लेते हैं। मेरा देखिए हवा यार भी साथ में है, ठीक है, ये 8 का नज़दीक में है, मैं हवा नहीं बनाएंगे, मगर ये देखिए 8 पे हवा है, ठीक है। तो मैं अब गियर देता हूँ, ये देखिए क्लाज मेरा दबा हुआ है, अब देखिए पानी की तरह गियर ले रहा, देख रहे हैं, देखिए पूरा पानी की तरह गियर ले रहा, और गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ रहा, देखिए। तो गाइस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, एंड शेयर करो, और सब्सक्राइब जरूर करो, और थैंक यू गाइस मेरा 3,500 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए, आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।